ये घाघरा रेडीमेड है, इसको हम फिटिंग इसकी लेने सिखाएंगे आपको। तो इसकी फिटिंग आप कैसे ले सकते हो घर पे देख सकते हो मैं इस वीडियो में। तो पहले इसका नाप ले लेंगे। तो ये हमारा पूरा 42 इंच का है, हमें इसका लेंथ रखना है 32। इसकी कमर है तो हमें इतना फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हो पहले हमें इसका बेल्ट निकाल लेना है। तो मैं इसका बेल्ट निकाल देती हूँ। इसका बेल्ट निकाल के हमने रख दिया साइड में। फिर हमें कलियों को फिटिंग करना है, तो एक एक कली को हमें सिलाई करके फिटिंग करना है। और इसकी लेंथ है ज़्यादा है तो हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इसकी लेंथ हमारी 40 की रखनी है, इतना एक्स्ट्रा है। तो मैं 2 इंच जितना एक्स्ट्रा है तो इसकी कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हो आप, 2 से 3 इंच जितना एक्स्ट्रा है। तो इसके हम इस तरह से नाप के 4 फोल्ड करके फिर इसकी कटिंग कर देंगे। 39 रखेंगे क्योंकि 1 इंच का बेल्ट लग जाएगा। तो 39 पे हमने निशान लगा दिया सब जगह पे। अभी इसकी हमें कटिंग करनी है। ये आप बार करवाने जाओगे तो कम से कम 400-500 तक टेलर आपसे ले लेते हैं। इसलिए आप घर पे इसको कैसे फिटिंग ले सके, इसलिए हम ये वीडियो आपको बता रहे हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कटिंग करके हो चुका है इस तरह से, देख सकते हो मैंने 4 इंच जितना निकाल दिया ऊपर से। अभी इसकी कली को हमें एक एक कली को वापस से सिलाई करनी है, पूरे नीचे तक सिलाई करनी है कली को, क्योंकि कटिंग वो सिलाई कच्ची रहती है इसलिए निकल जाती है। तो एक एक इंच जितनी हमें सिलाई लेनी है एक्स्ट्रा, और फिर नीचे जाके उसी सिलाई पे हमें सिलाई दौड़ानी है। तो इस तरह से हम ये कर रहे हैं, देख सकते हो मैंने 1 इंच से 1.5 इंच जितनी एक्स्ट्रा रख के सिलाई ले लिए। इस तरह से इसकी सिलाई ले दी है, इस तरह से पूरी कली को सिलाई कर दे दी है। नीचे तक पूरी पूरी सिलाई लेनी है, क्योंकि कच्चे धागे से सिलाई होती है तो खुल जाती है, तो वो आपकी नहीं खुलेगी। और ये सभी कली इसी तरह से आपको सिलाई लेनी है, इतनी इतनी सिलाई लेनी है। ये सिलाई करके फिर इसके ऊपर बेल्ट लगना होता है। तो पूरी कली को सिलकर फिर आप बेल्ट को नाप लेंगे। ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, नीचे उसी सिलाई पे आपको सिलना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। इस तरह से ये देखो हमारी सिलाई हो चुकी है। और ये हमारा लेपा बराबर हो चुका है। तो 32 इंच का लेना था तो हमारा 16-17 जितना हो गया, तो चलेगा ये। अभी हम इसका लेफा लगा देंगे, बेल्ट लगा देंगे। तो मुझे डिजाइनर बेल्ट नहीं लगाना है, तो मैं इसका सिंपल बेल्ट ही लगा रही हूँ। पिंक कलर में अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसका ही बेल्ट निकाल के बनाया है। आप जो रेडीमेड पे आया है वही बेल्ट लगा सकते हो, और वो नहीं पसंद आए तो आपको मेरे जैसा सिंपल लगा सकते हो। तो पहले उल्टी सिलाई करनी है फिर सीधी सिलाई करनी है। तो उल्टी सिलाई करके हो चुकी है हमारी, और आप देख सकते हो मैं अभी सीधे कपड़े पर सिलाई कर रही हूँ। तो बेल्ट को एक बार फोल्ड कर देना चाहिए पहले से, तो मैंने ये फोल्ड करके पहले से रख दिया है। और ये पूरी बेल्ट की सिलाई हो चुकी है हमारी इस तरह से। और ये आपको लगाना है तो इसके ऊपर लगा सकते हो, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा था पिंक कलर तो मैंने नहीं लगाया है। और ये हमारी पूरी सिलाई हो गई है। आप चाहो तो नीचे ये लेस पट्टी पे भी सिलाई मार सकते हो, और नहीं माननी है तो नहीं मारो, आपकी मर्ज़ी। और फिर अभी इसकी सिलाई कर देंगे किनारी, मतलब इसको जॉइंट कर देंगे घाघरे को अलग अलग है दोनों साइड से। तो इस तरह से इसका जॉइंटिंग करना है।
ये जॉइंट हो रहा है हमारा। और आपको कितना इंच रखना है, जितना इंच रखिए, चैन के लिए तो मैं 3 इंच जितना चैन के लिए रखा है बेल्ट के साथ 3 इंच। और ये आप देख सकते हो हमारा घाघरा बन के रेडी हो गया है फिटिंग में बराबर, और जैसे रेडीमेड था वैसे ही लग रहा है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।